सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। जो हो गया तो हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने थानू चंगा फैसला देता है। हम तुम बैठे हो विराजमान होते हैं, प्लीज लेट अस नॉट फाइट विद ईच अदर। इट इज माय रिक्वेस्ट टू यू, ऑल ऑफ यू, माय पार्टी कांग्रेस पार्टी एंड आम आदमी पार्टी। आप ही की तो आप ही तो वो चलाई है सिग्नेचर हो रखे ना। देखिए ऐसा है ना, मैं बिना देख के बैलेट पेपर में साइन करूंगा, मैं फिर बैलेट पेपर को खोल लूंगा नहीं, पूरी पारदर्शिता रहेगी, बिना बैलेट पेपर को देखे उस पर साइन करूंगा। नहीं नहीं, मैं आपसे कुछ और प्रश्न, बिना देखे कर रहा है, अब एजेंट बनाएगा भाई, इनको देख लो, उसने कुछ नहीं बनाया, घर में ही करूंगा, तुम कहो निष्पक्ष होगा बिल्कुल, अपने इसमें पारदर्शिता होगी, वो सोदी साहब हो चाहे राकेश जी हो, मैं बिल्कुल अपने बैलेट पेपरों को बंद पे ही साइन करूंगा और ये सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है। फिर भी अगर आपको कहीं डाउट लगे तो आप रिकॉर्डिंग ले सकते हैं, डीसी साहब भी आने वाले हैं, इसमें बिल्कुल पारदर्शिता रखी जाएगी। हम किसी भी तरह का जो पिछली बार सदन में हुआ हाउस की गरिमा को तार तार किया गया, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा और सब कुछ आपके सामने होगा। नमस्ते कलोनिया, नमस्ते। मैं थोड़ा पहला भी दसाया कि साढ़े वो पहला भी जड़े एजेंडे होंगे सके, चाहे वो कोई पार्टी किसी पार्टी का एजेंडा हो, असं पहला भी साथ देंगे सके, हूँ भी इतनी होगा डिवेलपमेंट के एजेंडे तो कोई दिन तो परंतु है ही नहीं, असं नाल हैं। देखो जो कारपोरेशन के काम हो 100% अच्छे ही हो गए, ठीक है जी। जो बाकी एडमिन के काम है, जिम्मे सा पिंड की लैंड पुलिंग का मसला है, एग्रीकल्चर लैंड का, ठीक है जी, कलैक्टर रेट का मसला है, कलोनिया का फ्री होल्डर का कुछ है, तो सारे जो है लगता एम पी इलेक्शन तो पहले हो जाएंगे तकरीबन। संधु साहब पूरा जोर लाऊंगे, जरा तुम भी चकते रहे हो कि थोड़े इलाके च क्राइम का बहुत सारी वारदातें होंगे जी, नशे उत्ते तुम कहा हूँ सीनियर डिप्टी मेयर बन चुके हो, हूँ जो गल भी रखोगे तो प्रभाव ज्यादा पेगा खास तौर पर पुलिस डिपार्टमेंट से, उसके लिए की तैयारी है? ब्रदर मैं पहला भी यह मुद्दे चकता रहा, तो SSP मैडम DGP साहब बहुत अच्छे हैं, असं जिंदे भी उन्होंने कदम बेनती करिए कि साढ़े मेरी वार्ड से या नाल वाली वार्ड 15 नंबर वार्ड कोई भी गलत एक्टिविटी होंगी है तो असं दसते हैं, वो मौके पर जोड़े है सोल्व भी करते हैं। सर सवाल यही है कि दसना पैंदा पहला तो क्यों नहीं तैयारी है इन्नी, क्योंकि उत्थे ज्यादा मैन पावर भी नहीं है कि पुलिस की, इलाका बहुत वड्डा है। मेरी गल हुई है मैडम नाल, गल हुई है SSP नाल, वो कहंदे भी जद मैन पावर जिहड़ी है कि जल्दी आपां थाने च बधा दूंगे, और भी और थानू पता ही है कि नाल बॉर्डर अपना पंजाब तोगा तीड़ा पिंड है, नए पंजाब दे बॉर्डर तो उधरों इधरों भी लोग आने हैं, थोड़ा जा दिक्कत है। वो ऐसा है जी, वो हमारी पार्टी के प्रेसिडेंट ज्यादा अच्छे तरीके से बता सकते हैं, मैं उसके बारे में बात नहीं सर। चंडीगढ़ में अभी भी दूसरा पार्किंग का मसला अभी तक अटका हुआ है, पार्किंग जो भी हमारे मुद्दे होंगे, हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, पूर्व मेयर हैं, हमारे पूर्व प्रधान रहे रुनसू जी, हमारे सतनाम संधु जी अभी राज्यसभा से MP बने हैं, तो हम सब इकट्ठे होकर जो है टंडन जी हैं सब इकट्ठे होकर काम करेंगे, शहर की बेहतरी के लिए काम करेंगे। सर एक वोट जो रद्द हुआ है उसको लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि पहले चुनाव से पहले ये दावा किया जा रहा था गठबंधन की तरफ से कि सीनियर वो देखो पद पर भी हम जीतेंगे, लेकिन वोट रद्द हुआ है। वो वोट रद्द हुआ जो आपको पता ही है, उनकी पार्टी ने जो उनका गठजोड़ था रद्द कराया, वो फेलियर है टोटली, जो इंडियन गठबंधन है वो टोटली फेलियर है, आपको सामने सारा कुछ आपको दिखी गया आज, तो आगे भी जो है आप देखेंगे इस चीज को। नंबर हमारा था, लोगों का जो दिया हुआ मैंडेट था वो हमारे साथ था, लेकिन उस दिन BJP ने अनिल मसीह के रूप में डकैती मारी, चोरी की वोटों की, सुप्रीम कोर्ट से इनके तमेचा पड़ा, वापस मेयर हमारा जीता, लेकिन इन बिटवीन जो बीच का समय था तब ये हमारे 3 साथियों को तोड़ने में कामयाब हो गए, लेकिन हमने कहा था कि हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, हार जीत बनी है, हम लोगों का दिल जरूर जीतेंगे, हम देश के प्रति, हमारे संविधान के प्रति, हमारी चुनाव प्रक्रिया के प्रति जो हमारी श्रद्धा है, जो हमारी आस्था है, उसकी जो गरिमा है, उसका मान नहीं टूटने देंगे। और आज
नहीं, ये राजनीति जो इन्होंने यहाँ पर की ना हाउस के अंदर, हमारे 37 जो पार्षद थे उन्हें हमसे तोड़ लिया गया, लेकिन ये जनता को हमसे नहीं तोड़ पाएंगे। जनता कहीं ना कहीं हमारे साथ है, और आज देखना आने वाले समय में हमारा एमपी कैंडिडेट भी जीतेगा इंडिया अलायंस का, क्योंकि हम पारदर्शिता रखते हैं, निष्पक्ष में विश्वास रखते हैं, लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। तो आने वाले समय में देखना आप, हमारे जो एमपी कैंडिडेट होंगे वो भारी बहुमत से जीत रहे हैं।